गुलाबी नगर जयपुर से गुलाबी ठंड के बीच मानसरोवर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में आने के लिए सुबह से ही लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए समूहों के रूप में कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंचने लगे। मानसरोवर के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने अन्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश आग के ढेर पर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि सही लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। अनिल चौधरी ने कहा कि देश में खतरनाक स्थितियां बन रही हैं, उनका समाधान आवश्यक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो सदा मुस्कुराए और जिसे देखकर लोग मुस्कुराए वो अच्छा आदमी होता है, तथा जो स्वयं तनाव में रहे और जिसे देखकर लोग तनाव में रहें वो बुरा आदमी होता है। जनसंख्या नियंत्रण यह है विश्व 17 करोड़ में से 10 लाख से अधिक नहीं दे सकते, और इसलिए मैंने लंबा सा समय लिया और ये विचार किया कि अपने को सत्य और सही ठीक समझ में आ जाए और विद मिशन हम इस काम को करने में जुटे। तन से, मन से, धन से और समय से, चारों में से किसी ना किसी एक से करना, और चारों से करें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आखिर क्या करें। इतना ही तो करना है धन देते हुए, एक साड़ी 800 या 2000 की लेने की बजाय 1800 की लेना, और क्या लगे 200 में क्यों बहन जी, ठीक है कि नहीं। और बाबूजी ने सूट पहना है, सूट जरा और 300 रुपये कम करना। अब गहनों को कम करने के लिए गहना आप है, ऐसा लगता है। मैं घर गृहस्थ का नहीं, पर घर लोगों की हालत देखकर समझ में आता है। तो आपको धन में कोई संकट नहीं रहे, समय कहाँ बर्बाद करो, तो जो बर्बाद ही करना उसको यूटिलाइज करो। पहले 1-2 घंटा इस बातों को पहुंचाने के लिए मंदिर, गुरुद्वारा, सत्संग, कीर्तन सभा, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, जहां मौका मिलेगा बातों को बताएंगे। मन लग जाएगा तो तन अपने आप साथ जाएगा, और इसलिए करो। नेतृत्व मंच पर बैठे हुए लोगों का भी है, गली मोहल्ले में आप सब अपने अपने गली के बादशाह हैं, सबके सुल्तान हैं, और इसलिए इन सब बातों के साथ बढ़ो। ये जो आज हिंसा का दौर है, इसकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। आप में से ऐसे कौन कौन है जिनके कोई ना कोई एक दो अनेक मुस्लिम दोस्त है, वो जरा हाथ कर नीचे कर। जिनको ये लगता है कि है नहीं पर कुछ ना कुछ मुसलमानों को मैं भी समझा सकता हूँ, वो हाथ कर नीचे कर। बैठे हो में से 50% से अधिक, आप इसको काम को आज से शुरू कर। आप जयपुर के एटमोसफेयर पर आप हिंसा में नहीं बदल देते, नफरत में नहीं बदल देते, कटुता में नहीं जाएंगे। हम हैं, किसी की हिम्मत क्या है कि इस जयपुर को जलाने का काम शुरू कर दे, जयपुर को भड़का लेगा। तो इस विश्वास के साथ उतरिए। और मैं वैसे भी जहां बैठा हूं, एक तरफ एक पहलवान बैठे हैं, दूसरी तरफ दूसरे, और ये सब मिलकर हिम्मत करेंगे तो इसका वातावरण बनेगा, राजस्थान बचेगा और देश भी बचेगा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। दुनिया के देश जब देश कहलाते थे तब भारत विश्व गुरु कहलाता था। बाकी दुनिया के देश देश हैं, भारत सोने की चिड़िया कहलाता है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत विभिन्नता का नहीं विविधता का देश है। जनसंख्या समाधान विषय पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि विश्व की 770 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 130 करोड़ यानी विश्व की
16.7% जनसंख्या भारत में रहती है, जबकि प्राकृतिक संसाधन भारत के पास 3.7% ही हैं। इंद्रेश कुमार ने सभा में आए हुए लोगों को संकल्प दिलाया, हम भारत को गंदा नहीं करेंगे, किसी को भारत को गंदा नहीं करने देंगे, किसी को भी भारत को गंदा नहीं करने देंगे, किसी को भारत को गंदा नहीं करने देंगे, किसी को भारत को गंदा नहीं करने देंगे। हम किसी को अछूत नहीं मानेंगे, आपने हम किसी को अछूत नहीं मानेंगे, हम किसी को अछूत नहीं मानेंगे, हम किसी को अछूत नहीं मानेंगे। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण भारत और पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने इंद्रेश कुमार को जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र बनवाने के लिए ज्ञापन भी दिया। बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश और धर्म को बचा रखा है। संघ के प्रचारक योगी सन्यासी जैसा जीवन जीते हैं। और हमारे जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाई साहब इंद्रेश कुमार जी, जो हमारे सबके पथ प्रदर्शक है, और राजस्थान से इनका विशेष नाता भी रहा और हमेशा दिल्ली के अंदर भी हमारे लोगों को हमेशा मदद कहीं भी रहनी चाहिए। और मुस्लिम जो मंच बना हुआ है और इन्होंने लंबे समय तक कई मुसलमानों को मुख्य धारा के अंदर भी लेके आए। निश्चित रूप से आज जो हमें शपथ दिलाई इन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति के कितने मुस्लिम दोस्त है जो उनको समझाएगा और समझाइश के रास्ते उन्हें मुख्य धारा पर आएगा। बेनीवाल ने कहा कि देश का नौजवान नरेंद्र मोदी के साथ है, कि भारत का मुसलमान भी इस देश का नागरिक है और आजादी के आंदोलन के अंदर हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया था। और जो बिल देश की लोकसभा के अंदर आए, मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्र के प्रति सोच है, और जो बिल नागरिकता संशोधन का बिल है, वो बिल मुसलमानों को बाहर निकालने का बिल नहीं है। उस बिल को अगर ढंग से देखते हैं, ये वो बिल है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे हमारे जो आपके जो देश है अफगानिस्तान, वहां के अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, फारसी जो इस देश के अंदर आए, जिनको शरण दी, उनको नागरिकता प्रदान करता है वो बिल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि हमें भारत माता की अखंडता और वैभव के लिए काम करना है। आप सबको यह विदित है कि देश में इस समय क्या चल रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या, उस पर मूल विषय तो माननीय इंद्रेश जी और भाई अनिल जी चौधरी लेंगे, लेकिन मैं इतना मैं मेवात में लगातार विधायक रहा। मेवात वो क्षेत्र है कि जहां बहुत अत्याचार हुआ राष्ट्रवादी लोगों पर, हिंदुओं पर, और मैं सीधा बोलता हूँ, मेवात हरियाणा का हिस्सा, मेवात राजस्थान का हिस्सा, मेवात यूपी का हिस्सा, परंतु वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उस समय महिलाओं की गुजर भी वही, मैं भी वहां विधायक रहा। और पूरे देश में कश्मीर से हमारी बहन ममता सागर आई है, ममता वाली बातों का आप वो जिक्र करें, तो इस देश में हम लोग जैसे जैसे कम हुए, हमारी जनसंख्या कम हुई और वैसे जैसे देश का बंटवारा नहीं हुआ, तो अत्याचारों की चरम सीमा हुई। उस अत्याचार को रोकने के लिए, उस अत्याचार को रोकने के लिए हमारे बीच में, हम तो जनसंख्या वैसे कम कर देंगे जो देश भक्त है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ा करके अपनी शक्ति को दिखाना चाहते हैं, और दुर्भाग्य इस देश में कि हम नेता इसलिए से बने हुए हैं, और दुर्भाग्य इस देश में, और यहाँ का वोटर बांग्लादेश का बना है, बांग्लादेश के वोटर को और इटली के नेता को कौन सपोर्ट कर रहे हैं और किस ढंग से वो नेतागिरी करना चाहते हैं, हम लोग सब समझते हैं। और वो लोग उस एक ग्रुप पर, उस एक संख्या पर जो एक समुदाय विशेष जिसको मुसलमान कहते हैं, उन पर केंद्रित किए हुए, ऐसी भारतीय एक राष्ट्रपति पार्टी को छोड़कर जो भारत की बेटी पार्टी है, बाकी सब पार्टियां राजनीतिक पार्टियां, चाहे वामपंथी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, ऐसी सब पार्टियां उन पर। देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे देश के टुकड़े होते गए। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि जो लोग हम 5 हमारे 25 करते हैं,
उन्हें समझाना आवश्यक है। और इस धर्मों को रोकने के लिए हम लोग सब आगे आएंगे, खबर करेंगे, चाहे नागरिक संशोधन बिल हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे जनसंख्या का मुद्दा हो, चाहे 370 का हो और चाहे 300 का हो, ऐसे हम लोग सब जागरूक नागरिक जब आगे होकर जाएंगे तब ये सब दंगे रोक पाएंगे। और उन दंगाइयों को सिर्फ वोटों के भिखारी, वोटों के भिक्षक, वोटों को भीख मांगने वाले लोगों ने और गलतफहमी में डालकर उनको नुकसान किया, इससे गलतफहमी में जो उनकी है उनको निकालना और उनको ठीक से समझाना, अगर संसद समझ सकते हैं तो ठीक है। इस अंत में मैं इतना ही कहूंगा, कुछ पत्रकार बड़ी चिंता करते हैं, देश में खून खराब हो रहा है, देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है। हमने कहा बात सुन लीजिए, भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, हमारे अवतार कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि द्रौपदी का चीरण हो, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि महाभारत हो, और फिर भी महाभारत हुआ और द्रौपदी का चीरण हुआ। तो जो होता है हमें तो ये सिर्फ उतना ही नहीं है, इस देश में इस अराजकता को, इस भीमकाय जनसंख्या को, इस बढ़ती जनसंख्या को रोकना, कंट्रोल करना। इस अवसर पर मंच पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष नारायण चौधरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक देवी नारायण पारेख, पूर्व मंत्री मदन दिलावर, गोपीचंद गुर्जर, सुमन शर्मा, अजयपाल सिंह, शिक्षाविद आशुतोष पंत सहित अनेक लोग उपस्थित थे।